वेलकम दोस्तों, ये है फेमस मोरजिम बीच का एंट्रेंस। तो चलिए आज मैं आपको गोवा के मोरजिम बीच की सैर कराती हूँ कि कैसा माहौल है अभी गोवा के बीचों में। बाकी की बातें बीच में चलकर करते हैं, लेट्स गो। यहाँ पर राइट साइड ये फेमस बूम सैक है। यहाँ पर बैठकर आप बियर के साथ साथ लंच एंड डिलीशियस डिनर का आनंद ले सकते हैं। अगर आप इन बेड्स में बैठना चाहते हैं तो बेड्स में बैठने का इस बीच पर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन आपको कुछ खाना या पीना पड़ेगा इनके रेस्टोरेंट से। तो चलिए आगे चलते हैं और आपको कुछ इंटरेस्टिंग दिखाते हैं। यहाँ सामने जहाँ पर डस्टबिन रखी है, यहाँ पर कछुआ मीन्स टोर्टाइस को रखा जाता है। इस कारण से कुछ लोग इस बीच को टोर्टाइस बीच भी कहते हैं। गवर्नमेंट ऑफ गोवा द्वारा टोर्टाइस को रख रखाव का काम यहाँ पर किया जाता है। देख सकते हैं सारे वेड्स भरे हुए हैं। मैं बताना चाहूंगी कि यह बीच नॉर्थ गोवा में आता है और पंजिम सिटी से दूर होने के कारण नॉर्मल इंडियन प्यूपिल इस बीच पर नहीं आते हैं, या फिर उन्हें पता ही नहीं होता है। मोरजिम, मानरेम, आसवेम, अरम्बोल, ये सारे बीच लगभग पास में हैं। इस कारण से बीच इंडियन लोगों के मुकाबले विदेशी लोगों का पसंदीदा बीच है। प्रेजेंटली कोविड के कारण विदेशी लोग नहीं हैं, अदरवाइज यहाँ पर भीड़ लगी रहती है। आगे मैं आपको वाटर स्पोर्ट्स दिखाने वाली हूँ। इस बीच पर भी वाटर स्पोर्ट्स होता है, जिसका एंजॉय आप बहुत कम पैसों में कर सकते हैं।
बीच पर लोग चिल्ड करने आते हैं क्योंकि इस बीच पर मैक्सिमम विदेशी लोग रहते हैं, फिलहाल अभी नहीं है, और दूसरे बीचों के मुकाबले कम लोग रहते हैं। यहाँ पर सनसेट देखना और टोर्टाइस देखना रियली अमेजिंग एक्सपीरियंस है। यहाँ पर जेट स्की का मीन्स वाटर बाइक का एंजॉय मात्र 250 रुपए में कर सकते हैं, जो कि दूसरे बीचों से बहुत कम है। यहाँ पर आपको कोई कुछ नहीं बोलने वाला है, मीन्स रात में भी आप बीच में नहा सकते हैं क्योंकि लाइफ गार्ड नहीं रहता है, जबकि दूसरे बीचों में रात में नहाना मना होता है। वैसे रात में नहाना इस बीच पर भी अलाउ नहीं है, लेकिन लाइफ गार्ड ना होने के कारण आप इंजॉय कर सकते हैं। अजीब सा आर्ट देख रहे हैं, ये बीच की सैंड में रहने वाले कीड़ों ने बनाया है। रियली ऐसा लग रहा है जैसे किसी आर्टिस्ट ने बनाया है। मैं ये बताना तो भूल ही गई कि यह बीच कितना दूर है। यह बीच पंजिम सिटी से लगभग 28 किलोमीटर दूर पड़ेगा और आप बड़ी आसानी से इस बीच पर पहुंच सकते हैं और इसका एंजॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको यहाँ के टोर्टाइस मीन्स कछुओं का घर दिखाऊंगी, जो कि बहुत विशाल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक